मैं देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। इसी साइज़ और इतनी बड़ी चालान। माधुरी ने समझाया इरोटिक और वल्गर के बीच फर्क। कहाँ होगी फिल्म शूट? दोस्तों, आजकल किसी भी मूवी में इरोटिक और हॉट सीन्स होना काफी कॉमन है, लेकिन पहले के जमाने में अगर किसी भी फिल्म में कोई ऐसा सीन होता था तो वो दर्शकों एवं एक्टर्स दोनों के लिए ही बहुत बड़ी बात होती थी। साल 1992 में रिलीज हुई बेटा मूवी के गाने धक धक करने लगा में भी काफ़ी सारे इरोटिक सीन्स थे। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो और देखें कि माधुरी का खुद अपनी उस परफॉर्मेंस पर क्या कहना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज बेटा 2 के बारे में। काफी समय से बेटा 2 के बनने की खबरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। ऐसे में ऐसी न्यूज भी सामने आई कि इस बार भी मूवी में कई वल्गर सीन्स होने वाले हैं, और जब माधुरी दीक्षित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वल्गर और इरोटिक के बीच में बहुत बड़ा फर्क है जो आज के लोगों को समझने की जरूरत है। पहले रिलीज हुए बेटा के फर्स्ट पार्ट में भी केवल इरोटिक सीन्स थे, किसी भी पार्ट में वल्गर सीन्स कभी इंक्लूड नहीं हुए। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि धक धक करने लगा एक वल्गर गाना है, उस गाने में बस कुछ इरोटिक सीन्स शामिल हैं। और रही बात बेटा 2 की, तो इस बार भी मूवी में इरोटिक सीन जरूर होंगे जो कि स्टोरी लाइन को और इन्हांस करेगा, लेकिन किसी भी पॉइंट पर मूवी में वल्गैरिटी नहीं दिखेगी। बता दें कि पिछली बार मूवी का मेजॉरिटी पोर्शन किसी बाहर की लोकेशन पर शूट नहीं हुआ था, बल्कि फिल्म को सिर्फ मुंबई की फिल्म सिटी में ही शूट किया गया। लेकिन इस बार बेटा 2 के लिए मेकर्स के कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स हैं। जहाँ नीडफुल सीन्स को गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट किया जाएगा, वहीं काफ़ी सारे सीन्स को दिल्ली और हैदराबाद में भी कुछ इलाकों में फिल्माया जाएगा। पुरानी फिल्मों में ज़्यादातर सीन्स को फिल्म सिटी में ही शूट किया जाता था, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वेगेंट सीन्स के लिए ही बाहर लोग जाते थे। पर आजकल समय बदल चुका है और आजकल अब सभी पार्ट्स मूवीज़ के बाहर ही शूट होते हैं। वेल दोस्तों, आपको माधुरी दीक्षित की धक धक करने लगा गाने में परफॉर्मेंस कैसी लगी थी, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।